हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक्स चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी एक और ए सीरीज़ के स्मार्टफोन के बारे में, जिसको कि बहुत जल्दी सैमसंग वन यू आई 2.5 का जो ऑफिशियल एंड्रॉयड 10 बेस्ड अपडेट है वो रिलीज़ करने वाला है। इफ़ डोंट नो, मैं आपको आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बताना चाहूँगा कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A70s है उसको ऑलरेडी इंडिया के अंदर वन यू आई 2.5 का जो अपडेट वो मिल चुका है। एंड गुड न्यूज़ ये है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को इसलिए लगा क्योंकि आउट ऑफ इंडिया मिलने से पहले सैमसंग ने सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी वो इंडिया को दी है। एंड इंडिया के अंदर ये फर्स्ट अपडेट रिलीज़ किया गया है आउट ऑफ इंडिया, अब रोल आउट होना स्टार्ट होंगे, अभी तक हुए नहीं है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैमसंग की ए सीरीज में से A70s के अलावा भी जो सैमसंग का गैलेक्सी A50s है, यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा था कि वन यू आई 2.5 का एंड्रॉयड 10 बेस्ड उसको अपडेट मिलेगा। हालांकि अभी तक तो नहीं मिला है, बट अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि सैमसंग जो है यहाँ पर फर्स्ट वीक के नवंबर में जो है एंड्रॉयड 10 बेस्ड वन यू आई 2.5 का जो ऑफिशियल अपडेट वो रिलीज़ कर देगा। एंड यहाँ पर फर्स्ट वीक लग ही चुका है, मतलब अब मंडे आ जाएगा। अब इस हफ्ते में हमें जो है यहाँ पर वन यू आई 2.5 बेस्ड एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। हालांकि एंड्रॉयड 10 तो है, बट एक मेजर UI जो अपडेट हमें मिलेगा वो अलग देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर सैमसंग ने कोई भी प्रो वीडियो वगैरह मोड इंक्लूड नहीं करा इस वीडियो के अंदर, इस अपडेट के अंदर ना ही प्रो मोड को सैमसंग ने इम्प्रूव करा है। इवन सैमसंग का जो गैलेक्सी A70s है वहाँ पर भी हमें वही पुराना प्रो मोड देखने को मिलता है, जिसमें ISO वाइट बैलेंस और जो कलर टेम्परेचर सेट करने को होता है ना, 3 ऑप्शन यही देखने को मिलता है। और यहाँ पर प्रो मोड तो की बात रही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रो मोड है वो सैमसंग के गैलेक्सी A71 के अंदर भी नहीं है। हालांकि वहाँ पर जो प्रोफेशनल यानी कि जो प्रो मोड है, नॉर्मल जो प्रो मोड है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब काफ़ी एडवांस है, मतलब एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A50 और A70s। एडवांस मेरा मतलब ये था कि हमें वहाँ पर मैनुअल फोकस कंट्रोल और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है और आपका फोटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाते हैं। मतलब कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर हमें जो है फोकस कहीं और रखना होता है, वाइट बैलेंस अलग चाहिए होता है, एंड जो हर एक सेटिंग है शटर स्पीड ISO वहाँ पर हमें काफ़ी एडवांस देखने को मिल जाती है। सो देखते हैं कब तक सैमसंग इस अपडेट को रोल आउट करता है। एंड फिलहाल की वीडियो में यही था, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।